ईद मुबारक मुबारक हो, ईद मुबारक मुबारक हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आप सबको चांद रात की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो जी, आज है चांद रात। जो आप लोगों ने पिछला ब्लॉग देखा वो भी चांद रात वाले दिन का था, ये रात का है। ऊपर था चांद, अम्मी ने देखा था चांद। आप लोगों ने भी देखा चांद? मैंने आप लोगों को दिखाया, बादलों में छुप गया था क्योंकि आंधी तूफान बहुत जोर से आ रहा था। तो जी अभी है रात, अभी मैं बात कर लूँ फिर आपसे बात करूंगी, ओके? तो जो अभी रात के जो काम है, बहुत सुबह ईद स्टार्ट हो जाती है तो कुछ काम होते हैं जो रात में ही पूरे करके रख देती हूँ मैं। आप लोगों ने मेरी पिछली ईद की वीडियो देखी होगी तो इस बार तो वैसा ऐसा कुछ नहीं। पिछली बार से लॉकडाउन जो इस बार लगा है वो बहुत ज्यादा खतरनाक लगा है और बहुत सारा नुकसान हो गया है इंसानों को, सभी को। और ईद की इतनी ज्यादा किसी को खुशी तो नहीं है, लेकिन घर में बच्चे हैं और घर में जो सामान मैंने मंगवाया है वो मैं रख देती हूँ। और जो मुझे मेवा वगैरह काट कर रखना है तो अभी मैं देखती हूँ मुझे क्या बनाना है। वैसे तो मैं कि मामी सेवैया पिछली बार से सोच सोच के रह गई, इस बार भी मेरी कि मामी सेवैया नहीं बन पाई क्योंकि वो यहाँ तो मिलती नहीं है, मुरैना में, ग्वालियर में मिलती है या झांसी में मिलती है। तो मेरी हर साल झांसी से ही आती थी, इस बार भी नहीं आ पाई और पिछली बार भी नहीं आ पाई। तो शीर खोरमा बनाती हूँ मैं हर साल, तो इस बार मैं अभी तो नहीं बना रही हूँ शीर खोरमा, मैं बनाऊंगी ईद के दूसरे दिन शीर खोरमा। वो मैं क्यों बनाऊंगी और किस लिए बनाऊंगी वो आप लोगों को आगे की वीडियो में देखने को मिल जाएगा। और बस मैं अभी जर्दे वाली सेवैया बना रही हूँ और खीर बनाऊंगी, सेवैयों की खीर बनाऊंगी। वो भी शीर खोरमे जैसे ही लगती है, बस थोड़ा सा डिफरेंट हो जाती है, तो बस मैं उसको खीर बनाऊंगी। तो अभी चलते हैं, स्टार्ट करते हैं काम। और हाँ, नमकीन में मैं बना रही हूँ दही बड़े के, और मैंने उड़द की दाल भी भिगो दी है और मूंग की दाल, दोनों मिक्स करके बनाऊंगी। तो वो भी रेसिपी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह जरूर शेयर करूंगी, और नहीं कर पाई तो फिर बाद में जरूर शेयर करूंगी। अभी तो ये मैंने ना कुछ मेवा निकाल कर रखी हैं जिनको मैं मिक्स करके इनकी कटिंग करूंगी, और इसकी कटिंग मैं नहीं करती हूँ, इसको मैं किस लूंगी क्योंकि मुझे रेडीमेड अच्छा नहीं लगता। और इसमें कुछ अंजीर है तो उनकी भी मैं कटिंग कर लूंगी, और छुहारों को मैं भिगो देती हूँ जिससे कटिंग करने में आसानी हो जाती है और खाने में भी अच्छे लगते हैं। और ये है जर्दे वाली सेवैया, इनकी मैंने पिछली बार भी शीर खोरमा बनाया था तो इस बार भी मैं बनाऊंगी शीर खोरमा। और ये दूध फैनी है तो अभी मैं इनको, अभी ही मैंने सारा सामान मंगवाया है ना, तो बस अभी मैं इसको इसके बॉक्स के अंदर रख देती हूँ। ये बड़ा बॉक्स है तो बस इसी के अंदर मैं रख दूंगी। ये ना, ये जो डिब्बा है ना वो मेरे हस्बैंड जिम जाते थे काफी टाइम पहले, तो बस उसका पाउडर का डिब्बा है तो मैंने इसको ना दो बार अच्छे गर्म पानी से धो लिया है, इसमें रख देती हूँ मैं। और आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि ऐसे डिब्बों को यूज कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अरे मैंने इसको दोबारा धोया तो शायद ये अच्छे से सूखा नहीं है, इसको मैं क्लीन कर लेती हूँ पहले। इस तरीके के डिब्बों को हम यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं तो वो भी मुझे कमेंट में बताइएगा, क्योंकि आप लोगों की कुछ सलाहें अच्छी होती हैं मेरे लिए, और हर इंसान को कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। तो सब लोग मुझे बताया करें मैं कैसे काम करती हूँ और मेरा काम कुछ और भी बेहतर हो सकता है या नहीं हो सकता, ये सारी चीजें मुझे बताया करें, जिससे कि मेरी वीडियो में भी और जो मैं आप लोगों को बताती हूँ जिससे आप लोग भी कुछ सीखते ही होंगे और कुछ सिखाने के ही उससे हम वीडियो बनाते हैं। तो ये सारी तैयारियां मैं कर रख देती हूँ जिससे कि मुझे ना आसानी हो जाएगी। दही बड़े भी मैं अभी ही बना लूंगी। ओके, हाँ
तो यहाँ पर ना दोनों दालें मेरे पास रखी हुई थी और ये छिलका वाली दालें रखी हुई थी, इसलिए मैंने इनको आधा घंटे भिगोया और फिर उसके बाद इनका छिकल निकाल लिया है। थोड़े बहुत रह गए हैं तो कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। काफी टाइम लग रहा था इनको साफ करने में, तो फिर मैंने इनको थोड़ा सा छिकल रहने दिया। अब इनको इनका एक बैटर बना लेंगे हम, और बैटर में हम पानी नहीं डालेंगे क्योंकि आप देख ही सकते हैं हल्का हल्का पानी इसमें है, मैंने चन्नी में बिल्कुल नहीं छाना, और गाढ़ा बैटर बनाएंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इसको पीसना। यहाँ पर मैंने तेल गरम होने रख दिया है, बैटर को पीस लिया दोनों दालों को मिक्स करके। और यहाँ एमी ने मुझे परेशान कर रखा था, रोटी नहीं खानी थी वो, हमें चीला खाना था मीठा चीला, तो बस उनकी फरमाइश पूरी हो रही है और रात हो गई है। मेरा आधा काम तो अल्लाह के करम से हो गया है, बस ये दही की बड़े बना कर रख दूँ, और अभी मुझे बच्चों को मेहंदी भी लगाना है। तो अभी मैं इसमें जीरा डाल दिया है मैंने, आप देखिए इसमें जीरा नमक वगैरह इसमें नहीं जाएगा। और अभी मैं इसमें थोड़े से काजू डालूंगी काट कर। और मैं इसमें इतने तोड़ तोड़ के मैंने इसमें काजू ऐड कर दिए हैं ये अब। और मैंने इसको पीसा और मैंने इसको बहुत ज्यादा फेटा हाथों से ही, तो इसको फेटना बहुत जरूरी है। जितना हम इसको फेटेंगे उतना ही हमारा बैटर बहुत सॉफ्ट बनेंगे और दही बड़े बहुत सॉफ्ट बनेंगे। तो यहाँ पर मैं चुटकी भर सोडा डाल रही हूँ खाने वाला, बहुत ज्यादा ऐड नहीं करेंगे क्योंकि मेरा बैटर काफी अच्छा बना है तो उसकी जरूरत भी नहीं थी, लेकिन मैं डालती हूँ इसलिए मैंने डाल दिया। इसको मैं एक बार और अच्छे से और इसको आप देखिए इसकी कटेस इस तरीके से होना चाहिए, ये इस तरीके से गाढ़ा होना चाहिए, तभी आपके दही भल्ले एकदम बस बढ़िया बनेंगे। बैटर को रखे हुए 5 से 10 मिनट हो गए हैं और तेल भी मेरा अच्छे से गर्म हो गया था। तेल को बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं रखना है, और आप चाहें तो पहले से थोड़ा सा टुकड़ा डालकर देख लें जिससे कि वो ऊपर आ जाए, तो बस फिर आप इसको फ्राई कर लें। और मैं देखिए बहुत छोटे छोटे से तोड़ रही हूँ क्योंकि ये फूल जाएंगे। और तेल भी अच्छे से हो गया था और बैटर बहुत अच्छे से बना था, और देखिए आप डालते ही साथ ये ऊपर आ जा रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे बड़े एकदम परफेक्टली बन रहा है। तो इसको गोल्डन ब्राउन होने तक इसको हम फ्राई करेंगे। इसको अगर आपको लॉन्ग टाइम के लिए रखना है तो आप इसमें एक चीज़ और भी कर सकते हैं कि इनको थोड़ा थोड़ा सा एक दो छींटे पानी डालकर इसको फिर हाफ फ्राई करने के बाद इसको निकाल लें, फिर उसके बाद आप इनको दोबारा से फ्राई करें एकदम गोल्डन ब्राउन। और जैसे कि अभी आप देख रहे हैं मैं इनको पलट रही हूँ, बस एक बार पलट कर निकाल लें। अगर आपको थोड़े दिन के लिए इसको रखना है, क्योंकि मुझे रखना नहीं है और ये हाल ही फिनिश हो जाएंगे थोड़े दिन, एक दो दिन में, तो मैं इनको डबल फ्राई नहीं कर रही हूँ। अगर आपको रखना है तो आप इनको ऐसे और सुखा कर थोड़ी सी हल्का सा फरेरे कर कर, फरेरे बोलते हैं ना उनको, जैसे धूप में तो नहीं सुखाना है, किचन में ही रख के खुले में, तो अच्छे से सूख जाएंगे। और यहाँ पर रिदा आई थी अपनी मेहंदी लगवाने दिखाने के लिए, क्योंकि ऊपर लगा रही थी फुप्पो मेहंदी, और अब जीनू जा रही है मेहंदी लगवाने के लिए, तो मुझे टाइम नहीं था, तो इसीलिए आज उनकी फुप्पो ने ही सबको मेहंदी लगा दी, और बहुत अच्छी मेहंदी लगाई थी सभी को। और मैं यहाँ पर बस बड़े बना रही हूँ और मेरी सेवैयें भी बनना है, तो रात में मैं इतना काम कर कर रख देती हूँ, फिर मुझे सुबह बहुत सारा काम नहीं करना पड़ेगा और आराम भी हो जाएगा। तो बड़े आप देखिए मेरे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, क्रिस्पी हो गए हैं ऊपर से, तो अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। और फिर मैं इनको डायरेक्ट पानी में इसलिए नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैं इसको सुबह दही के अंदर डालूँगी, तो इनको मैं गर्म पानी में डालूँगी सुबह, तो बस मैं अभी इनको बना बना कर रख लेती हूँ। और यहाँ पर बना रही हूँ सेवई, तो सेवइयों को मैंने फ्राई कर लिया, जर्दे वाली सेवइयाँ बना रही हूँ, और घी डाल दिया, तो बस ये भी मेरी बनकर रेडी हो जाएंगी। और दूसरी तरफ मेरे दही बड़े भी बनी रहे हैं,
तो बस यहाँ पर मेरी सारी चीज़ें हो गई हैं रेडी, और बस सेवैयों को मैं ढककर रख दूँगी तो ये सुबह तक बिल्कुल परफेक्ट बन जाएंगी। अभी आप चाशनी देख रहे हैं, फिर सूख जाएंगी। कटोरी तो खाली है अंजुम। कोई आया नहीं है, वो जीनू गई। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको हमारी तरफ से ईद मुबारक हो। तो आप लोगों का आज का ईद कैसी निकली जरूर बताएगा, और अंजुम आप लोगों को ईद की मुबारकबाद। आप सभी को ईद मुबारक हो मेरी तरफ से भी। तो आप लोग प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा आप सबकी ईद कैसी निकली। हमारी ईद तो कैसी निकली, बहुत अच्छी। आज हम लोगों की ईद तो पूरे दिन अंधेरे में निकली, क्योंकि लाइट भी हम लोग आज इसीलिए कोई ब्लॉग ढंग से भी नहीं बन पाया। और वैसे तो ईद की कोई ऐसी खुशी थी ही नहीं, लेकिन मैंने आप लोगों से कहा था कि ईद की खुशी सिर्फ घर की औरतों से होती है, तो घर की औरतें जितनी ज्यादा खुश रहेंगी, घर का माहौल जितना अच्छा बनाए रखेंगी, उसी तरीके से घर में खुशियां आती हैं। तो बस मैंने दिन में जैसे तैसे खुशी मना ली और सो गए। लॉकडाउन में इस बार मैंने किसी को भी नहीं बुलाया था, और जिसको बुलाया तो वो भी अपनी सेफ्टी रखते हैं, तो इसलिए वो भी नहीं आए। तो दिन सुबह के टाइम थोड़ा सा बिजी निकला, और बाकी पूरा दिन आराम से निकला। कोई ऐसा लगा ही नहीं हमें कि आज त्योहार है, नहीं लगा ना? बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं लगा आज के त्योहार है। तो आप लोगों का कैसा निकला आप लोग जरूर बताइएगा। और ये देखिए हमारी छोटी सी हलीमा सुल्तान, और इनको देखिए, ये पाकिस्तानी बनी है। ये हमारी राजस्थानी है, और ये हमारी हलीमा सुल्तान। और आप भी आओ, आज सबसे बड़ी मैं हूँ इसलिए बीच में आऊंगी। और ये देखो। और ये देखो मेरा लॉकेट, मैं हूँ ज्ञान बाबा। तो बस आप लोगों से मिलना था, आप लोगों को ईद की मुबारकबाद दे रही थी, और कुछ ऐसी छोटी मोटी बातें करना थी आपसे। हाय करोगी, ईद की मुबारकबाद बोलो। हाय मैं खा रही हूँ मैंने। आप लोगों को इन लोगों की ड्रेसें दिखाते हैं। क्या हो गया आपको, ऑटो आप पे ध्यान दे रहा है ना ऑटो? रेदा क्या कर रही हो? अभी रूम जब पापा से वाइफ पटाई लगा। पापा
गोल गोल घूमो, गोल गोल घूम जाओ, घूमो ऐसे घूम जाओ, घूमो हाथ पकड़ के घूमेगी बात, घूम हाथ पकड़ लो, इसको रख दे, इसको रख दे, इसको रख दो, सुचे हो रही है, चलो घूम लो, घूमो घूम लो, ऐसे घूम के ऐसे हाँ, और गले मिल लो, ईद ईद मिल लो, ईद 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 मिल लो, ईद मिल लो, ईद नहीं मिल रही है, गोल गोल घूमेगी वो, गोल गोल हो जाता है, आई मीन गेम 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 स्टार्ट करते बोलो सब लोगों को ईद मुबारक हो, आप सबको ईद मुबारक बोल देना, ईद मुबारक बोल दो, टक लो ए टक्कू, ईद मुबारक बोल और एक सरप्राइज, ईद मुबारक ओके तो इसी के साथ करती हूँ वीडियो का एंड। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरे आने वाली वीडियो आप लोगों को सबसे जल्दी मिल जाए। तो फिर मिलती है अपने नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज। इस लड़की को देखो क्या हो गया आपको, बच्चों के नखरे ये देखो, ये बस ये नजर उतार मैं कैसी लग रही थी ये नहीं बताया आपने, देखो बस मुझसे बढ़िया, मैं अपनी नजर नहीं उतारू, बनाते रहने, और इसको